में जमकर बवाल चली गोलियां। गोलीबारी में एक युवक हुआ घायल। इंदिरा नगर और गाजीपुर पुलिस सीमा विवाद में उलझी। थाने के सामने बैठा रहा पीड़ित। पुलिस ने शिकायत लिखने से किया इनकार। गाजीपुर में जमकर बवाल चली गोलियां। गोलीबारी में एक युवक हुआ घायल। इंदिरा नगर और गाजीपुर पुलिस सीमा विवाद में उलझी। हरदोई सर्व शिक्षा अभियान की उड़ी धज्जियां। स्कूल में खुलेआम बच्चों के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। स्कूल में झाड़ू लगाते कूड़ा उठाते दिखे बच्चे। बीते दिन बच्चों से काम कराने के कारण एक शिक्षिका हुई थी निलंबित। विकास क्षेत्र हरियावा के प्राथमिक विद्यालय भीठा का मामला आया सामने। हरदोई में सर्व शिक्षा अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नौनिहालों के भविष्य के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाया जा रहा है और कूड़ा उठाया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय भीठा का एक वीडियो वायरल हुआ है, उस संबंध में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराई जा रही है। दोषी पाए जाने के बाद संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है युवक का वीडियो। सेक्टर 51 होशियारपुर का बताया जा रहा है वीडियो। नोएडा पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। हथियार लहराते युवक का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा युवक का वीडियो। सेक्टर 51 होशियारपुर का बताया जा रहा है वीडियो। आगरा बाइक सवार लोगों ने 30 वर्षीय युवक को मारी गोली। युवक के पेट में लगी गोली, हालत गंभीर। इलाज के लिए युवक को भेजा गया अस्पताल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के सुल्तानगंज का मामला आया सामने। आगरा में बाइक सवार लोगों ने 30 वर्षीय युवक को मारी गोली। युवक के पेट में लगी गोली, हालत गंभीर। थाना हरिपर्वत क्षेत्र में विजयनगर चौकी के अंतर्गत दीपक उर्फ बल्ले नाम के व्यक्ति जो कि चांदी का कारीगर है, उसको गोली लगने की सूचना मिली। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जो मौके से पता लगाया गया है उसके मुताबिक कुछ लोग कुछ मोटरसाइकिल से वहां पर आए और उनसे इसकी कहा सुनी हुई। उसके बाद उनके पास तमंचा था, उससे निकाल कर उन्हें फायर किया और इसे गोली लगी है। इसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और अभी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिशान, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, इस मामले में क्या आरोपियों पर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? क्या कुछ पूरा मामला है और जो युवक है उसकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सुल्तानगंज की पुलिया क्षेत्र का ये पूरा मामला है। वहां पर 30 वर्षीय व्यक्ति के अंदर गोली मार दी। रात के वक्त में गोली मारी गई है जिससे युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उसको अस्पताल के लिए भेज दिया गया है और सभी मौके पे आला अधिकारी और पुलिस प्रशासन पहुंच गया है। सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया जिशान। रवि सड़क पर दो पक्षों में हुई मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल।
सेक्टर 16 कार मार्केट के पास की घटना आई सामने। सेक्टर फेज एक थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। नोएडा बीच सड़क पर दो पक्षों में हुई मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूसे। मारपीट का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। सेक्टर 16 कार मार्केट के पास की घटना आई सामने। सेक्टर फेज एक थाना क्षेत्र का है मामला। नोएडा बीच सड़क पर दो पक्षों में हुई मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूसे। मारपीट का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। सेक्टर 16 कार मार्केट के पास की घटना आई सामने। संवाददाता सुशांत इस खबर पर अधिक जानकारी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, ये जो लोग खुलेआम में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अभी तक पुलिस इनका पता लगा पाई है? बिल्कुल, फेजवन थाना क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ पे सेक्टर 16 कार मार्केट है, यहाँ पे लगभग एक दर्जन लोग हाथापाई करते हुए नजर आए, लात घूसे, मुक्का चलाते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई। और इस दौरान पर जब हमने आला अधिकारियों से जानकारी करी, गाड़ी टकराने को लेके इनकी मारपीट स्टार्ट हुई थी और एंड में दोनों पक्ष लगभग एक दर्जन लोग एक दूसरे को बुरी तरह मारते हुए नजर आए वीडियो में। और बाकी पुलिस इनको अभी हिरासत में नहीं ले पाई है, लेकिन पुलिस इनकी जांच चालू कर चुकी है। लेकिन सुशांत, सेक्टर 16 एक पॉर्स एरिया है, वहां पर इतना भीषण मारपीट दिखा जो वीडियो में वायरल हो रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस वहां मौके पर नहीं पहुंची, किसकी लापरवाही नजर आ रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। सेक्टर 16 एक सही में बहुत बड़ा ही पॉश एरिया है, यहाँ पे आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला रोज सामने आता है हाथापाई को लेके और छेड़छाड़ को लेके, और आए दिन फेस वन थाना इंचार्ज की बहुत बड़ी लापरवाही है। इनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई इस केस में नहीं करी गई है और बाकी आगे जांच जारी बताई जा रही है। सुशांत, सेक्टर 16 में इंक्रोचमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गाड़ी इधर उधर खड़े होने की वजह से ट्रैफिक लगती है और लोगों की गाड़ियां में इधर उधर से स्क्रैच पड़ता है, लोग मारपीट करते हैं, तो इस ट्रैफिक सिस्टम को और जो इंक्रोचमेंट को खत्म करने के लिए क्या कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया 16 में? जी बिल्कुल, फेज वन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेक्टर 16, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कार मार्केट है जहाँ पे अधिकतर नोएडा ग्रेटर नोएडा की सारी गाड़ियां ठीक करवाई जाती है। यहाँ पे भारी मात्रा में लोग आते हैं अपनी गाड़ियों को सही कराने, लेकिन जब भी देखा जाता है जब इतनी सारी गाड़ियां होती हैं तो इनकी भिड़ंत होना बहुत ही एक कॉमन बात है, और जब भी भिड़ंत होती है तो आए दिन यहाँ पे हाथापाई होती है और रोज ऐसी कोई ना कोई वीडियो सामने आती है। इसमें फेजवन थाना बहुत बड़ी इनकी लापरवाही है, जो अब तक इस चीज पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। यहाँ एक कहीं ना कहीं तरीके से एक कांस्टेबल यहाँ पे हमेशा मोड़ पे खड़ा करना चाहिए, जो हमेशा ट्रैफिक पुलिस को समझाता रहे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सुशांत, बने रहिए आप हमारे साथ। नोएडा कांस्टेबल गगन कुमार पासवान ने किया नाम रोशन। कांस्टेबल ने नीदरलैंड में लहराया यूपी पुलिस का परचम। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स प्रतियोगिता में जीता पदक। ग्रेटर नोएडा बंद घर में लगभग 15 लाख रुपए की चोरी, पीड़ित परिवार का रो रो कर हुआ बुरा हाल। घर से लगभग 7 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी गायब। इकोटेक थाना 3 क्षेत्र का मामला आया सामने। ग्रेटर नोएडा बंद घर से लगभग 15 लाख रुपए की चोरी, पीड़ित परिवार का रो रो कर हुआ बुरा हाल। संवाददाता सुशांत इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, जिस तरह से लगातार चोरी की घटना नोएडा से सामने आ रही है, किस तरह की लापरवाही पुलिस प्रशासन को की दर्शाती है और ये क्या मामला सामने आया है चोरी का ग्रेटर नोएडा से? तकनीकी खराबी के कारण हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। कानपुर सरैया चौराहा का नाला राहगीरों के लिए बन रहा काल। चौराहे से गुजर रही कार अचानक खड्डे में घुसी। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार को निकाला बाहर। घटनास्थल से 20 मीटर दूर पहले भी हो चुका है हादसा। 4 दिन पहले सड़क धसने से लोडर अंदर घुसा था।
कानपुर सरैया चौराहा का नाला राहगीरों के लिए बन रहा काल। चौराहे से गुजर रही कार अचानक खड्डे में घुसी। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार को निकाला बाहर। घटनास्थल से 20 मीटर की दूरी पर पहले भी हो चुका है हादसा। 4 दिन पहले सड़क धसने से लोडर अंदर घुसा था, उसके बाद ये दूसरी घटना सामने आई है। कानपुर सरैया चौराहा का नाला राहगीरों के लिए काल बना हुआ है। चौराहे से गुजर रही कार अचानक खड्डे में घुसी। वहीं यहीं से 20 मीटर की दूरी पर पहले भी एक घटना हो चुकी है। चार दिन पहले सड़क धसने से लोडर अंदर घुसा था। संवाददाता उपेंद्र कानपुर से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके उपेंद्र। यह जो पोल खोलती हुई प्रशासन की सामने हुए तस्वीर आ रही है, आखिर कौन जिम्मेदार इसका और ये घटना क्या है? अगर देखा जाए कहीं ना कहीं जो चौराहे पर नाला राजगीरों में बना हुआ है, काल बना हुआ है और चौराहे पर निकलने वाले जो गाड़ियां हैं वो अचानक, आज पहली घटना नहीं, इससे पहले भी हो चुकी है और मौजूदा लोगों की मदद से जो है उस कार सवार को बाहर निकाला गया है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो घटना तो जो 20 मीटर की रोड धसी है वो NHI का जो माल जो एरिया आता है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। नगर निगम में जो बड़ी लापरवाही नजर आ रही है और उसके बाद देखा जाए तो कार नितवाने लोगों ने जो मदद की है और उसको कूद के जान, चालक ने जो कूद के जान बचाई है वो भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं नगर निगम के लिए निंदनीय है। अब इस पे किस तरह की कार्यवाही की जा रही है? सड़क निर्माण को लेकर क्या कोई आगे शिकायत की गई स्थानियों द्वारा? जी, स्थानीय द्वारा देखा है तो इसकी शिकायत जो है कई बार की जा चुकी है विभाग को, PWD को भी, नगर निगम को भी, उसके बावजूद भी देखा जाए कहीं ना कहीं किसी प्रकार कोई सुनवाई अभी नहीं हो रही है। और बात रही कानपुर स्मार्ट सिटी की तो केवल कहने के लिए स्मार्ट सिटी रह गया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उपेंद्र, स्मार्ट सिटी की पोल खोलती हुई तस्वीरें बिल्कुल सामने आई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पर रासुका हाजी वसी पर गैंगस्टर एक्ट लगा। 28 पुलिसकर्मियों का संयुक्त प्रयास सफल। तैयार हुई 2100 पन्ने की फाइल। 144 घंटे में तैयार की गई रासुका फाइल। 6 लोग ऐसे मिले जो निर्दोष जेल भेजे गए थे। आज रिहाई के लिए कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगी पुलिस। आपको बता दें कि कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात पर रासुका लगा दी गई है, वही हाजी वसी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। संवाददाता उपेंद्र उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके उपेंद्र। अब रासुका लगाई जा चुकी है जफर हाशमी पर, वही साथ ही साथ जो 6 लोग हैं जो निर्दोष थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी रिहाई को लेकर आगे पुलिस क्या कुछ प्रक्रिया करेगी? आपको बता चला जो 3 दिन की घटना थी जिसमें हयात जफर हाशमी को जिसमें देखा जाए तो रसपा की फाइल अभी 3 दिन पहले DM को भेज की गई थी साइन करने के लिए। उसके बाद देखा जाए लगातार जो है पुलिस के जो 28 पुलिस कर्मी जिनके 4 दरोगा की कमेटी बनाई गई थी जिसको देख करके लगातार जो है कमेटी ने जो है जो चार्जशीट जो है फाइल करी है उसमें जो है देखा जाए कहीं ना कहीं 2100 पेजों की जो है फाइल दाखिल करी गई। उसके बाद उसमें जो SIT की टीम जो राहुल मिठास जो IPS थे और ज्वाइंट कमिश्नर जो आनंद प्रकाश तिवारी थे उनका साफ कहना है कि जो इसमें निर्दोष 6 लोग फंसे हुए हैं उनकी आज की डेट में जो है कानपुर न्यायालय में जो है उनकी जो फाइल जो है दाखिल की जाएगी और उसके बाद जो आगे अगली सुनवाई होगी उसमें देखा। पर कहीं ना कहीं सवाल आ रहा था जो फंडिंग करने वाला जफर हाशमी और मुख्तार बाबा और उसके बाद देखा अकील खिचड़ी की जो भी गिरफ्तारी हुई थी उस पर देखा था गैंगस्टर की कार्रवाई जो हुई है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिसिया कार्रवाई में जो है वो कब कार्रवाई की गई, क्योंकि इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं ये लोग दोषी तो पाए गए थे और जो इन्होंने फंडिंग की थी जब हाजी वसी जो बिल्डर्स पकड़ा गया था उसका साफ कहना था कानपुर प्रशासन का कहना था कि अगर किसी भी प्रकार से नेता हो, चाहे बिल्डर्स हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे पुलिसकर्मी का आला अधिकारी क्यों ना हो, मेरे सामने अगर आता है तो वो सब दोषी हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया उपेंद्र, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। कानपुर में पुलिस के दावे हुए फेल।
गोंडा पुलिस के दावों की पोल खोलता वीडियो हुआ वायरल। गंगा बैराज के रेड जोन तक पहुंचा युवक। गंगा बैराज में बैरिकेटिंग तोड़कर रेड जोन पहुंचा युवक। कानपुर में पुलिस के दावे हुए फेल। गोंडा पुलिस के दावों की पोल खोलता वीडियो हुआ वायरल। संवाददाता उपेंद्र अस्थाना इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। उपेंद्र, ये युवक वीडियो में सीधा सीधा रेड जोन में घुसता हुआ दिख रहा है, कहाँ है पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पर लाए गए हैं? अगर देखा है, जब से कानपुर कमिश्नरेट लागू हुई है उसके बाद जो कोना थाना जो फोर्स है, पुलिस है, उसकी कई लापरवाही जो वीडियो में पहले भी जारी हो चुकी है। और अगर देखा है तो ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये लड़का जो रेलिंग पार भी कर रहा है तो वो रेड जोन में जा रहा है। और कहीं ना कहीं अभी 24 घंटे पहले जो है गंगा बैराज से जो है हाई अलर्ट जारी किया गया रेड जोन में, जो की देखा जाए तो पिछले सावन में सोमवार में गंगा जी जो है 1.8 सेंटीमीटर जो है उसका जल भराव जल स्तर बढ़ गया था। उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, इससे पहले भी देखा जाए कोना पुलिस की बड़ी लापरवाही आती है, क्योंकि गंगा जी में जो है देखा जाए तो मछली मारने पर रोक थी, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोना पुलिस की मिली भगत से जो है वहां पर जो लोग हैं आज क्षेत्रीय लोग हैं वो गंगा जी में नाव चलाकर जो मछली मारते हैं। और इसके बावजूद जो उसके थोड़ा सा आगे जो पड़ता है, क्या कहते हैं, कोना चौकी पड़ती है, उस पर भी देखा जाए कहीं ना कहीं जो है आए दिन लड़के जो स्टंट करते नजर आते हैं, पर कोना पुलिस साफ जो है वो आंखें नजरअंदाज करती है। और कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई जो है वो बिल्कुल देखा जाए तो कहने को तो केवल कई जगह कमिश्नरेट लागू हुई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कानपुर में। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया उपेंद्र। आज से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम, आज से 31 जुलाई तक प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य होंगे शामिल। 12 केंद्रीय मंत्री, यूपी के 13 कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण शिविर। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शामिल होंगे स्वतंत्र देव सिंह। आज से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम, आज से 31 जुलाई तक प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। भारत के केंद्रीय मंत्री, यूपी के 13 कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण शिविर। शर्मा मंडलायुक्त प्रयागराज बने। तो संजय गोयल मंडलायुक्त झांसी बने। एस राज लिंगम डीएम वाराणसी बने। रविंद्र कुमार डीएम कुशीनगर बने। अपूर्वा दुबे बनी डीएम उन्नाव। बारे आईएएस अफसरों के स्थानांतरण, कौशलराज शर्मा को मंडलायुक्त प्रयागराज बनाया गया, तो वहीं संजय गोयल को मंडलायुक्त झांसी। एस राज लिंगम को डीएम वाराणसी बनाया गया। गाजियाबाद पेट्रोल पंप बना जंग का मैदान। भारत पेट्रोल पंप पर हुई जमकर मारपीट। तेल डलवाने को लेकर हुई जबरदस्त मारपीट। अज्ञात युवकों पर फायरिंग करने का आरोप। कविनगर थाना क्षेत्र के लाल कुआं का मामला। गाजियाबाद पेट्रोल पंप बना जंग का मैदान। भारत पेट्रोल पंप पर हुई जमकर मारपीट।
संवाददाता प्रवीण। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ पूरा मामला है? गाजियाबाद से अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती है, पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है? क्या इन लोगों को प्रशासन का डर नहीं रह गया है? आपको बता दूं, ये बीती रात की पूरी घटना है, जहां पर गाजियाबाद में कुछ दबंग जो है पेट्रोल भरवाने के लिए एक भारत पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जहां पर पेट्रोल पंप कर्मी के साथ उनसे कुछ हाथापाई हो जाती है, बदतमीजी करते हैं वो लोग। उसके बाद बदतमीजी इस हद तक उतारू हो जाती है कि उन लोगों के पास एक पिस्टल होती है, रिवॉल्वर से उन्होंने फायर भी करी है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि वहाँ के जो एक निवासी था जो वहाँ पर रह रहा था, उसने ही वो वीडियो पूरी कैप्चर करी और उसने सोशल मीडिया पे वायरल करी। ये पूरी देर रात की घटना है, जहाँ पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद है गाजियाबाद के अंदर में, जहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। जी त्रिशला, अब किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये जो माहौल खराब कर रहे हैं गाजियाबाद का, खुलेआम पेट्रोल पंप पर मारपीट कर रहे हैं, क्या पुलिस इन पर कोई कार्रवाई अभी तक कर पाई है या फिर किस तरह की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है? देखिए, जिस तरह से ये घटना पुलिस के सामने आई, तुरंत पुलिस एक्शन में आई है, पुलिस मौके पर पहुंची है, वहाँ के सीसीटीवी खंगाल रही थी, उन लोगों की पहचान की जा रही है और साथ ही गाड़ी नंबर भी पता चल चुका है, तो उस गाड़ी को भी ट्रेस किया जा रहा है। आखिर वो बदमाश कि किसके नाम से वो गाड़ी थी और कितने लोग उस गाड़ी में सवार थे और किस तरह से ये बदमाश थे या फिर एक आम नागरिक थे या इनके पास जो लाइसेंसी पिस्टल थी या अवैध तरीके से इन्होंने जो रिवॉल्वर रखी हुई थी, जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल पंप पे फायरिंग करी है, कहीं ना कहीं एक प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर सवाल निशान खड़ा कर देता है कि रात के समय में इस तरह से दबंगई दिखाना कुछ अराजक तत्वों द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रशासन पे एक कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा करता है कि पुलिस प्रशासन आखिर कहाँ थी जिस समय पर ये उस तरह से घटना, क्योंकि ये मेन रोड की घटना है जहाँ पर चप्पे चप्पे पर पीटीआर खड़ी होती है, 112 नंबर गाड़ी खड़ी रहती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं गाजियाबाद के अंदर में। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया प्रवीण। विवाहिता की बेरहमी से हत्या, विवाहिता की गंडासे से गर्दन काट कर हत्या, वारदात को अंजाम देकर आरोपी ससुराली फरार, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस पर भी लापरवाही करने का लगा आरोप। पहले ही ससुराल वालों के खिलाफ दी गई थी शिकायत, हयात नगर थाना इलाके का मामला आया सामने। संवाददाता मुबारक अली इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारक, क्या कुछ पूरा मामला है? और पहले ही जब ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत की गई थी तो पुलिस उस मामले पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या पुलिस महिला के कत्ल होने का इंतजार कर रही थी? संबल के थाना ऐसा क्षेत्र का पूरा लहरा का मामला है और इससे पहले भी शिकायत करी थी पुलिस ने, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस ने पुलिस पर आरोप लगाया परिजनों ने और ये एक साल से पीड़ित करता था आरोपी और दहेज की मांग करता था और सबके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब इस पे आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? मुबारक, पुलिस इसमें जांच में ड्यूटी है पुलिस और उसके आरोपी मौके से फरार है और पुलिस ने परिणाम भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों ने तहरीर दे दी गई, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया मुबारक। आदित्यनाथ का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर वर्कशॉप को सीएम योगी वर्चुअल करेंगे संबोधित, 10-11 बजे सीएम योगी करेंगे संबोधित। 400वें प्रकाश वर्ष पर राजभवन में कार्यक्रम, 11 बजे गुरु तेग बहादुर के 400वें वर्ष प्रकाश वर्ष पर कार्यक्रम, राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक, शाम 6:30 बजे 5KD पर बैठक। योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर वर्कशॉप। नगर पुलिस के दो सिपाही आपस में भिड़े, सिपाही अजय कुमार और महेंद्र पटेल के बीच हुई मारपीट।
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 3 महीना पुराना बताया जा रहा है वायरल वीडियो। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने दोनों कोरोना में पुलिस के 2 सिपाही आपस में भिड़े। संवाददाता अनिल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ये जो 2 सिपाहियों की आपस में मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हो रही है, इसका सच क्या है और कब का बताया जा रहा है ये वीडियो? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये वीडियो 3 महीना पुराना बताया जा रहा है, क्योंकि ये छुट्टी के लेकर विवाद हुआ था और ये वीडियो 3 महीना पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो को कोतवाली प्रभारी के निरीक्षक पे एसपी आकाश तोमर के ने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अनिल। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी सफलता। बसकवा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई। सुनवतराहा के पास हुई लूट की घटना का सफल अनावरण। अंतर जनपदीय लूट गिरोह के 5 अभियुक्त गिरफ्तार। शातिरों के पास से 5 तमंचा कारतूस गिरफ्तार। बरामद चोरी की ट्रॉली, सोलर प्लेट सहित कई सामान बरामद। संवाददाता धीरज उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, क्या कुछ पूरा मामला है ये जिसमें क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं आपको, लखीमपुर खीर के पशुहर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर अंतर जनपदी गिरोह जो 5 लोगों का जो पकड़ा गया है, उसमें जो करने कई अन्य वाहन भी हैं और सामान भी है, जो ये कई वारदातें कर चुके हैं जिनकी पुलिस की तलाश से मुखबिर की सूचना पर जो नेशनल हाईवे से इन्हें कल जो गिरफ्तार किया गया, इनके साथ से इनके पास से कई अन्य सामान और वाहन भी बरामद किए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया धीरज। स्टंट करते हुए वीडियो आया सामने। लग्जरी गाड़ी से 2 युवक स्टंट करते आए नजर। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में आए दिन होता है स्टंट। स्टंट बाजों को रोकने में पुलिस रही नाकाम। ब्लूबेल होटल के सामने की घटना आई सामने। रिटनोडा दबंगों का स्टंट करते हुए वीडियो आया सामने। लग्जरी गाड़ी से 2 युवक स्टंट करते हुए आए नजर। कॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में आए दिन होता है स्टंट। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।